I started reading the Bhojpuri साहित्य literature, और उसमें बिंदिया करके एक novel है, उसमें एक introduction में एक line है कि भोजपुरी का वृक्ष अभी उतना strong नहीं हुआ है कि उसकी छाँव में हम सब जो लोग हैं वो बैठ सकें, और ये 50s में लिखा हुआ novel है, और उसमें वो ये लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर ये एक दिन आएगा जब ये वृक्ष इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसकी छाँव में हम सब बैठ सकेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। और मैं इमोशनल इतनी क्यों हो जाती हूँ मुझे पता नहीं। आई नेवर पेड अटेंशन टू माई मदर टंग, और हमेशा से बिहार में रहने की वजह से कल्चर ये था कि अंग्रेज़ी सीखो, क्योंकि बाहर जाके अंग्रेज़ी में बात करनी है, और हिंदी तो अपनी अब हिंदी ही भाषा थी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं था। पर जब मैं बड़ी होने लगी और सिंगर बन गई, तो जब भोजपुरी गानों के ऑफर्स आए तो मेरे माता पिता भी कहते थे कि मत गाओ बेटा, भोजपुरी मत गाओ प्लीज़, क्योंकि उसमें अश्लील गाने ही बनते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अश्लीलता ही होगी। एक दिन अचानक से मैंने एक गाना सुना भोजपुरी में जिसको आशा जी ने गाया था, और दूसरा फिर गाना सुना जिसको मन्ना डा ने गाया था, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भोजपुरी फिल्म के गाने, मुझे लगा ये हिंदी फिल्म में ये गाने प्लेस किए गए होंगे भोजपुरी भाषा में। और तब देन आई स्टार्टेड, तब मुझे लगा कि ये क्यों मैंने अभी तक नहीं सुना था। फिर मैंने अपनी माँ को सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि यू नेवर गॉट मी इंट्रोड्यूस टू दीज सॉन्ग्स। और फॉर्चुनेटली इंडियन आइडल के एक दो साल के अंदर मैंने एक्टिंग की शुरुआत की, और मेरा एक्टिंग जो हुआ वो भी पहली बार भोजपुरी सीरियल में मैं एज अ लीड आई, बड़की मलकाइन में। तो वहाँ से मेरी भाषा में, अपनी खुद की भाषा में इंटरेस्ट जागने लगा, और फिर ये गाने सुनने लगी। लेकिन तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि यू नो मैं पब्लिकली खड़े होकर कह सकूँ कि आई वॉन्ट टू सिंग इन भोजपुरी, बिकॉज वो शर्म की बात होती थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी धारणाएँ हैं कि भोजपुरी मतलब अश्लील ही होगा। बट देन अलॉन्ग द वे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगी लोगों को, क्योंकि ये मेरी भाषा है, अगर मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें सिर्फ अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता एक पहलू है, हिंदी सिनेमा में भी बहुत अश्लील चीज़ों को बेच करके और फिर हिंदी सिनेमा को हिट किया जाता है, हर इंडस्ट्री के में अश्लील और अश्लील दोनों काम होते हैं। भोजपुरी को बिल्कुल टैग कर देना कि वो अश्लील है या उसका तो इतिहास ही ऐसा रहा होगा, इस मान्यता को अगर बदलना है तो मुझे स्वयं इसके लिए उतरना पड़ेगा इस काम में। और आपने सही कहा, एक मुहिम ही छेड़ी है मैंने कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ी लिखी हैं, जो लड़के मेरे उम्र के हैं, अगर वो मुझे भोजपुरी में बोलते सुनेंगे, मुझे भोजपुरी में गाते सुनेंगे, तो उन्हें डेफिनेटली लगेगा कि यू नो हमें इससे बचने की ज़रूरत नहीं है, इससे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक ये पहलू, इसका एक ये अंदाज़े बयान भी हो सकता है। एंड दैट्स वाई आई टुक अप टू भोजपुरी। और पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना कुछ है भोजपुरी में बताने को, सुनाने को, सिखाने को। अभी तो मैंने सीखने की शुरुआत की है, मैं डेफिनेटली इस मुहिम का हिस्सा हूँ, और मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मेरे पहले लोगों ने कोशिश की है, मेरे बाद भी लोग कोशिश करें, इस भाषा को 8वीं सूची में लाने की कोशिश करें, इस भाषा पे और जोर डालने की कोशिश करें, और अपनी भाषा को न त्यागें, क्योंकि हम छोड़ देंगे तो ये आगे कभी नहीं बढ़ेगा।